देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तराखंड मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में प्रदेश के 4 जिलों में अवलांच की आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। वहीं इसके मद्देनजर आपदा प्रबंधन विभाग ने भी संबंधित जिलाधिकारियों समेत तमाम अधिकारियों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। यह अलर्ट 4 जिलों के लिए जारी किया गया है, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ शामिल है। आइए सुनते हैं क्या कहना है आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा का। देखिए, जहां अवलांच आता है उसके आसपास के जो विलेजेज हैबिटेशन अगर है तो उसके लिए वो हमारे लिए एक चिंता का विषय रहता है। लेकिन हमारी जो टीमें हैं SDRF और अन्य जो NDRF की टीमें हैं वो पूरी अलर्ट मोड में है। हमने हेलीकॉप्टर भी कर रखा है, कल को अगर ये होती है रेस्क्यू की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। तो इसकी हमारी पूरी तैयारी है, अलर्ट है, सब कुछ सूचित कर दिया गया है। देखिए, अवलांच है तो उसको तो रोक पाना मुश्किल है। अगर आती है तो हमारी राहत बचाव की जो टीम है हमारी तैयारी वो पूरी होनी चाहिए। पिछले बार जो अवलांच रेनी की आई थी वो एक ऑल ऑफ द सडन रहा और उसमें जो टनल का जो बराज बन रहा था टनल की उसमें थोड़ी समस्या आई, अदरवाइज विलेज कोई डैमेज नहीं हुआ था। ये एक रही जो कि चूंकि जो डैम था, डैम जो बन रहा वो रास्ते में पड़ा तो उसमें डैमेजेस हुई, बाकी तो हमारी तैयारी थी। एक टनल में जो हादसा हुई उसके लिए एक एक, एक रहा वो काफ़ी बड़ा, बिल्कुल वो जब जिस भी कैचमेंट में होगा अवलांच, जिस रिवर के कैचमेंट में उसके नीचे वो डैमेज हो सकता है तो उसके लिए हमारी तैयारी है। फिर किन जिलों को अलर्ट में? इसमें उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ 3 जिलों के लिए आज के लिए अलर्ट है, तो उसके लिए हमने अलर्ट कर दिया, हमारी टीमें तैयार है। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।